एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंबई पुलिस ने वाजे को सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को सचिन वाजे की गिरफ्तारी के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में हैं। उन पर एंटीलिया केस का सूत्रधार होने का आरोप है। आपको बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी करीब 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद की गई। हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक 66 एनकाउंटर का सहरा सिर पर बांधे सचिन वाजे इस साजिश के अकेले सूत्रधार नहीं है, बल्कि अभी कई और पुलिस वाले इसी केस में नपने जा रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक शनिवार दोपहर 11:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक मुंबई के एनआईए दफ्तर में सचिन वाजे से पूछताछ हुई। इस पूछताछ के दौरान एनआईए ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो इस साजिश का एक मोहरा भर है। बता दें कि सचिन की गिरफ्तारी की दो सबसे अहम वजह बनी वो दो गाड़ी जिसका इस्तेमाल 25 फरवरी को एंटीलिया केस में किया गया था, जिस स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन स्टिक और धमकी भरा खत रखा गया था। वो स्कॉर्पियो दरअसल 17 फरवरी से सचिन वाजे के पास थी। एनआईए ने इसका सबूत भी हासिल कर लिया है। एनआईए को यह भी पता चल गया है कि 17 फरवरी से 25 फरवरी स्कॉर्पियो थाने में कहां पार्क थी। इस सिलसिले में एनआईए की टीम विक्रोली थाने के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है कि आखिर विक्रोली थाने में किसके कहने पर स्कॉर्पियो की चोरी की रिपोर्ट लिखी गई। ये रिपोर्ट मनसुख हिरेन ने लिखवाई थी 18 फरवरी को। स्कॉर्पियो के साथ साथ एंटीलिया तक जो सफेद इनोवा कार गई और जिस इनोवा में बैठकर स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके से निकल गया, उस इनोवा का राज भी खुल गया है। ये इनोवा दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटीलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलंड नाके पर देखा गया। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हैं, लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नागपाड़ा में मौजूद एक मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम की तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। शुरुआती तफ्तीश और सचिन वाजे से पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाजे को आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506(2), 120B और 4AB विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी रखने, इसमें अहम भूमिका निभाने और साजिश में शामिल होने के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की है। देखना होगा कि एंटीलिया केस में और कितने नए और अहम खुलासे होते हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।